वेलकम टू माई ब्लास्ट फर्नेस यूट्यूब चैनल। मैं सिद्धम अली स्वागत करता हूँ। आज मैं के ब्लास्ट फर्नेस का सेकंड टॉपिक्स लेकर आया हूँ। मेरा पहला टॉपिक्स था इंट्रोडक्शन ब्लास्ट फर्नेस और यह सेकंड टॉपिक जो है ब्लास्ट फर्नेस रिएक्शन। ब्लास्ट फर्नेस में मेनली क्या क्या केमिकल रिएक्शन होता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ टॉप से बॉटम तक। और मेनली ब्लास्ट फर्नेस रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ, ब्लास्ट फर्नेस में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और रॉ मटेरियल में क्या क्या केमिकल कंपोस्ट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनली ब्लास्ट फर्नेस में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो है आयरन और सिंटर और पेलेट। इसमें एफी कंटेंट रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं IBRM, आयरन बियरिंग रॉ मटेरियल। और फुल हिसाब से हम लोग यूज करते हैं कोक। और फ्लॉक्स में यूज करते हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइटी। फ्लॉक्स इसीलिए यूज करते हैं कि आयरन में जो भी इंप्यूरिटीज और कोक आस में जो भी इंप्यूरिटी रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लॉक्स यूज करते हैं। मेनली आयरन और का केमिकल फार्मूला जो है वो है Fe2O3 और लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला है CaCO3 और डोलोमाइट का केमिकल फार्मूला है MgCO3 और क्वार्ट्जाइट में SiO रहता है और कोक में कार्बन रहता है 85-87% और आस रहता है 10-12% जिसमें आस में सिलिका 55-60% रहता है, एल्यूमिनियम 30-35% रहता है। और मेनली चलिए शुरू करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में पहला रिएक्शन क्या होता है। पहला रिएक्शन जो ब्लास्ट फर्नेस में होता है, सबसे पहले हम लोग ये जो देख रहे हैं ये है ट्यूर। डिजाइन हिसाब से किसका 12 ट्यूर से लेकर 36 ट्यूर तक रहता है, तो उसमें हम लोग हॉट एयर ब्लोन करते हैं। हॉट एयर एटमोस्फेयर को एयर को गर्म करके हम थ्रो करते हैं इसमें ट्यूर से और उसको बोलते हैं हॉट ब्लास्ट टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर रहता है 1100 से 1200 डिग्री। और उस हिसाब से एयर भी रहता है डिजाइन हिसाब से 35,000 से 2-2.5 लाख तक भी हवा हम लोग उसमें लेते हैं। तो उसमें जो भी एटमोसफेयर में कंपोस्ट रहता है जैसा ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 79%, वो उसको गर्म करके यहाँ पे देते हैं कार्बन को बर्निंग करने के लिए और प्रोडक्शन निकालने के लिए। चलिए पहले शुरू करते हैं कि पहला रिएक्शन क्या है। सब हम लोग एटमोसफेयर एयर देते हैं उसमें ऑक्सीजन रहता है, अंदर में कार्बन रहता है, तो C+O2=CO2। यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर रहता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल नहीं रहता है। एज पर थर्मोडायनामिक्स बिलो 1000 डिग्री में कार्बन स्टेबल रहता है, एबव 1000 डिग्री में कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल नहीं रहता है। तो वहाँ पे SH कार्बन रहता है, अगेन CO2+C ये बनता है 2CO। ये है हीट, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऊपर तक कैरी होता है हेल्प ऑफ नाइट्रोजन और साथ में स्टीम भी देते हैं। स्टीम मतलब वाटर, H2O+ अंदर में कार्बन रहता है, ये बनता है H2+CO। H2O भी रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऊपर से गैस, जैसे ऊपर में गैस जाते रहेगा तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होते जाएगा। सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर जो रहता है टीओ के सामने वहाँ से 21 से 22 डिग्री रहता है, जैसे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फाइनली एग्जिट गैस का जो टेम्परेचर रहता है वो है 150 डिग्री to 200 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है फाइनली। और मेनली उसका एग्जिट गैस का जो कंपोजिशन रहता है, हमने सिर्फ यहाँ पे तो ऑक्सीजन और सिर्फ नाइट्रोजन दिए, मगर फाइनली गैस हमको मिलता है वो है CO 22% CO2 18% हाइड्रोजन 1.5% रेस्ट जो रहता है वो है नाइट्रोजन, वो भी 56-60% रहता है। ये जो है एग्जिट गैस का
ब्लास्टफर्नेस गैस का केमिकल कंपोजिशन है। तो इस और उसके साथ में ये जो सीओ पर कैरी हो रहा है वो हीट है, वो Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके Fe2O3 प्लस CO ये बनाता है Fe3O4 प्लस CO2, और Fe3O4 प्लस CO बनता है FeO प्लस CO2। FeO प्लस CO ये बनता है Fe प्लस CO2। ये जो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिएक्शन, और कार्बन साथ जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन। मेनली यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहता है अपन 30% आता है, और Fe2O3 से जब FeO बनता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 27-28% ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। जैसे FeO से CO बनता है, उसके FeO से CO होता है तब ऑक्सीजन 22% तक होता है, और फाइनली जब Fe बनता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन पूरा रिमूव हो जाता है हेमाटाइट से। तो मेनली ये जो Fe देख रहे हैं ये हमारा फाइनल Fe नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, और क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना नहीं रहता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है 15-39 डिग्री, मगर वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं है। पहला ये जो रिएक्शन होता है ये 450-500 डिग्री से ये रिएक्शन होता है, रिडक्शन होता है, और Fe2O3 से ये जो Fe बनता है उसका टेम्परेचर जो है वो 550-600 डिग्री में है, और Fe से CO जो रिएक्शन होता है उसमें 600-750 डिग्री तक और रिडक्शन होता है। और जैसे बड़ा डिसेंड होते हैं नीचे आते जाता है टेम्परेचर राइजिंग से रहता है वो टाइम में, तो फिर जैसे टेम्परेचर रीच करता है 900-950 डिग्री वहाँ पे और एक रिएक्शन होता है कार्बन बर्निंग करता है, तो वो टाइम में कार्बन भी Fe के साथ रिएक्शन करके ये बनता है Fe प्लस CO, ये भी सॉलिड फॉर्म में रहता है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना है नहीं। देन जैसे 950-1000 डिग्री में पहुँचता है वहाँ पे लाइमस्टोन जो है CaCO3 डिकम्पोज होता है, CaCO3 डिकम्पोज होके ये मिलता है CaO प्लस CO2। सेम MgCO3 ये भी डिकम्पोज होता है होके बनता है MgO प्लस CO2। ये 950-1000 डिग्री में ही होता है, और ये जो CO2 होता है वहाँ पे और के कार्बन साथ रिएक्शन करके, क्योंकि कार्बन वो टाइम में जलना शुरू करता है तो वो भी CO के साथ कार्बन रिएक्शन करके वो बनता है CO2 प्लस C, ये बनता है 2CO, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन रॉक्स लॉस रिएक्शन। तो लॉस रिएक्शन मीन्स लॉस ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे हमें कार्बन कंज्यूम होता है मतलब कोक भी कंज्यूम होता है, तो ये रिएक्शन 950-1000 डिग्री में होता है, उसको बोलते हैं वोड़ा रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे और टेम्परेचर और ऊपर आता है 950-1000 डिग्री 1000-1100 डिग्री वहाँ पे 1000-1100 डिग्री वहाँ पे और एक रिएक्शन होता है, वो जो टेम्परेचर है 1200-1300 डिग्री वो है CaO प्लस SiO2, ये बनता है CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन है। ये स्लैग फॉर्मेशन रिएक्शन मेनली डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, CO SiO2, CO फुल बेसिक है और SiO2 एसिड है। ये दोनों का कंपोजिशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है स्लैग की फ्लूइडिटी के ऊपर में, इसमें दोनों में कोई भी चेंजेस होता है स्लैग फ्लूइडिटी में अफेक्ट करता है। तो साथ में
जैसे आप नीचे आते रहेंगे कुक का आस जैसा बर्निंग स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे आस में सिलिका रहता है, वो सिलिका SiO2 प्लस 2C ये बनता है Si प्लस Si प्लस 2CO ये बनता है। ये जो देख रहे हैं ये सिलिकॉन जो है वो मेटल में ट्रांसफर होता है, मेनली इंप्लांट पर ट्यूर में मैक्सिमम सिलिकॉन जो है मेटल में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे और साथ साथ में ये भी होता है SiO प्लस C पहले गैसेस फॉर्म में होता है तो ये बनता है Si प्लस CO। साथ साथ में और बहुत कंपोजिशन रहता है जैसा हाई टेम्परेचर में ट्यूर के सामने दूसरा रिएक्शन होता है जैसे MnO प्लस C का मतलब रिएक्शन करके ये बनता है MnO प्लस CO। साथ साथ में टाइटल भी रहता है आयरन ओर में TiO2 प्लस 2C ये बनता है Ti प्लस 2CO और फास्फोरस भी रहता है P2O5 प्लस 5C ये बनता है 2P प्लस 5CO ये भी जो भी मैंगनीज टाइटेनियम फास्फोरस ये मेटल में आता है। और मेन रिएक्शन होता है जो है सल्फर, सल्फर मेटल में कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। सल्फर का मेन रिएक्शन जो है ये है, मैक्सिमम सल्फर जो है कोक से आता है, 90-95% जो सल्फर है वो कोक से ही आता है और वो मेटल में ट्रांसफर होता है। और कुछ अमाउंट सल्फर भी स्लैग में भी जाता है और कुछ भी गैसेस फॉर्म भी जाता है। तो मेनली ये रिएक्शन होता है सल्फर का FeSCO प्लस कार्बन ये बनता है Fe प्लस CaS प्लस CO। मेनली सल्फर कंट्रोल का तीन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाई बेसिसिटी हो, हाई हाफ टेम्परेचर हो, हाई स्लैग वॉल्यूम हो, इसमें अच्छा सल्फर कंट्रोल होता है। तो मेरे ख्याल से पूरा रिएक्शन मैंने बता दिया हूँ, शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर लाइक करें ताकि मैं फिर थर्ड टॉपिक्स ले पाऊँ। थैंक यू।